गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाल बादल प्रीति। गाइज आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक बेसिकली मास्टरबेशन के ऊपर है, क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, और न यूट्यूबर की बात नहीं, मुझे किसी ने बोला था कि सर मैं वर्कआउट से पहले जो है मास्टरबेशन करता हूँ, और मुझे ऐसा मैंने कहीं देखा था। मैंने कहा किसका देखा था, किसने देखा था भाई, कहाँ देखा था? तो उसने मेरे को बताया था कि सर मैंने यूट्यूब पर देखा था। मैंने कहा किसको देखा था? बोल सर उसके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बहुत फेमस नाम है, कोई खत्री खत्री बोल के कोई है बंदा, उसका उसने डाला था। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने देखा तो मुझे मतलब 6-7 टॉपिक उस पर मुझे मास्टरबेशन के ऊपर ही लगे कि कैसे करना चाहिए, रात को करना चाहिए, रात को कितने बजे करना चाहिए, दिन में कितने बजे करना चाहिए, वर्कआउट से पहले करो उसके बाद करो, मतलब सारी थ्योरी के लिए उसने पूरा दिनचर्या अपना जो है उसमें बता दिया है कि किस तरीके से जो है गाड़ी में चलो करो, जहाँ भी चलो करो, रोड पर चलो करो। तो इस तरीके से वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे एक तरीके से हंसी भी आई, और थोड़ा सा मुझे मतलब मैं हंसी भी नहीं, अब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा किसी की, क्योंकि भाई ठीक है किसी के पास 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर तो बहुत बड़ी बात है यार, उसने कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी, ऐसी बात नहीं है। अब आदमी व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कर देता है, कई लोग उल्टा भी चलने लग जाते हैं, कुछ उठपटांग हरकतें भी करने लग जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोगों की आदत होती है, उसको देखते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, व्यूज़ उसमें मिल ही जाते हैं। अब बंदे को उसकी कॉमेडी पसंद आते हैं, कई बंदे उसकी निगेटिविटी पे सब्सक्राइब कर देते हैं कि यार कॉमेडी मिल रही है बेफालतू की दिखने के लिए, तो ठीक है कॉमेडी तो कम से कम कॉमेडी चैनल भी देखते हैं लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ करेक्ट कि क्या मास्टरबेशन है, मास्टरबेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और मास्टरबेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा मेरे को आके ये बोलता है कि सर मास्टरबेशन मैं करता हूँ डेली, तो उसको उसका क्या नुकसान होता है या क्या फ़ायदा होता है, वो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और कुछ अपने बारे में भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट मास्टरबेशन का मेरे ऊपर भी था कभी। तो गाइस बात मास्टरबेशन की है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जब मैं 16-17 साल का था, मतलब अराउंड मेरे को एज याद नहीं है, तो मुझे बहुत बड़ी लत पड़ी थी। मैं ऐसी कोई चीज़ें वैसे बताता नहीं अपने बारे में मैं, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को, सच बोलना चाहिए हमेशा। मैं खुद अपने बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता कि भाई मैं नेचुरल हूँ या मैं कुछ ऐसा हूँ, तो मैं खुद बताता हूँ अपने बारे में सारी चीज़ें। अब ये मेरे घर वाले भी देख सकते हैं, मेरी पोल भी खोल सकती है, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि जो सच है जो सच है। तो गाइस जब मैं छोटा था, मतलब लाइक 16-17 साल का, 19 साल के करीबन, तो मुझे बहुत बड़ी लत थी इसकी। मैं तुम्हें बता दूं, इतनी बड़ी लत थी कि जब मैं नीचे बैठता था, बैठ के जब मैं खड़ा होता था, तो मेरे सर में यहाँ दर्द था होता था, और मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था, मैं नीचे गिर जाता था। मुझे 3-3, 4-4 मिनट तक जो है बेहोश रहता था। मुझे आज भी मेरे हाथ में निशान है, ये हाथ का निशान आप देख रहे होंगे मेरे, ये हाथ का निशान था। मेरे घर में मेरी सिस्टर्स लाइक रोटी बना रही थी तवे पे, तो मैं गिरा था, तो मेरे हाथ जो है तवे पे चिपक गया, और तवे पे चिपकने के बाद जब मुझे घर वालों ने उठाया, तब तक इसका जो है रोटी बन गया था तो आज भी निशान है, सोचो आप इतने साल के बाद भी निशान है। तो ये मेरी ट्रेजेडी थी। तो ऐसा अगर उससे पहली बात तो उससे फ़ायदा होता। अब मेरे को इसमें बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी करेंगे कि सर नहीं ये तो गलत बोल रहे हो आप, मास्टरबेशन करना चाहिए, मैं करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन वो साइंटिफिकली मेरे को कई चीज़ें दिखाने लग जाते हैं, जैसे मैंने रोटी के ऊपर भी वीडियो डाली थी, उसमें भी कई बंदे बोलते नहीं मैं तो रोटी खाता हूँ, साहिल खान तो बोलता है रोटी खा के सो, भाई आपने देखा है क्या उसको खाते हुए, ये आपने देखा है क्या उसको करते हुए, आप खा के देखो ना, आप बोल दो 3 दिन में ऐप्स गायब हो जाते। ऐप्स गायब होने का मतलब ये है कि भैया बॉडी के अंदर वाटर ट्रेन हो जाता है। अब ऐप्स थोड़ी कह रहे हुए फ्लैट हो जाएंगे, ऐप्स ऐसा नहीं है, ऐप्स गायब होने का मतलब है कि जो शेडेड ऐप्स दिखाई देते हैं वो नहीं दिखाई देंगे, वो गायब हो जाते हैं। तो वही चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ कि कई लोग इसमें कमेंट करने वाले हैं कि साइंटिफिक तो ये कहता है, वहाँ पर ये बोलते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं, किताब कुतुब निकाल के कहीं कहीं से ढूंढ डांड के, मतलब किसी को प्रूफ करना है कि ये निगेटिव है, ये खराब है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा प्रूफ जो है आपकी बॉडी है। अगर आपने बॉडी के अंदर कुछ किया और उसका रिएक्शन हुआ बॉडी के अंदर, या कुछ रिएक्ट किया बॉडी ने, तो आपको उसका तुरंत वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है आपको कि आपकी बॉडी को ये चीज़ सूट नहीं कर रही है। तो मेरे को ये चीज़ सूट नहीं करी, जब से मैंने छोड़ा मेरी बॉडी में किसी चीज़ की कोई कैल्शियम की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत बड़ी लत होती है ये, मैं आपको बता दूँ कि ये एक जैसे ड्रग्स होता है, या फिर जैसे भांग पीने वाले बंदे होते हैं, या फिर जैसे नशा करने वाले बंदे होते हैं, उनको भी ऐसी लत नहीं होती जैसी लत इसकी होती है, बहुत खतरनाक लत है।
तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको कभी वंस इन अ मंथ आपने ट्राई किया कभी, तो अलग चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आप वर्कआउट से पहले या जिम जाने से पहले मास्टरबेशन करके जाओ, ये सब सी बनाओ कंपनी और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बॉडी जो ऐसा बोलता है कि मास्टरबेशन करना है, उसको पहले देख लेना कि उसकी बॉडी कितनी है। और कमेंट जो करते हैं भाई, अपनी बॉडी भी अपनी फ़ोटो डाला करो प्रोफाइल में। फ़ोटो आप डालते नहीं हो, आपकी बॉडी किसी को दिखती नहीं है, कमेंट कर देते हो, दिखा देते हो कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। भाई बुद्धिमान आप, आपकी बॉडी कैसी है उससे बुद्धिमान पता लगता है बंदा। तो बंदे बोलते हैं कि, अब मुझे कई लोगों ने बोलता है कि बीआरपी के सर बॉडी बनती है, बीआरपी के बॉडी नहीं बनती, बीआरपी के आदमी बेवड़ा हो जाता है बेवड़ा हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है उसका, और कभी कभी तो नाले के भी दर्शन कर देता है, वो सूअर के साथ पड़ा रहता है कभी कभी। मैंने कई लोगों को देखा है, घर बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आपको मैं एक ही चीज़ बताने वाला हूँ गाइस, मेरा काम है नई यूथ को सही गाइडेंस देना। मेरी वीडियो को जो समझता है, जो मेरे को जानता है, वो मेरी तारीफ करता है, जो नहीं पहचानता है, नया बंदा आता है, वो थोड़ा सा अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश झाड़ देगा, थोड़ा सा दिखा देगा कि हाँ यस मेरे को आता है भाई, मेरे को बहुत कुछ विद्वान हूँ मैं। भाई सब चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत बड़ा नॉलेज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। आप वंस इन अ मंथ अगर आपका कभी हो जाए तो अलग बात है, आपको करना है तो आप सेक्स करो ना यार। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे संभाल ही नहीं जाती है, वाइफ आपसे संभाल ही नहीं जाती है, आप मास्टरबेशन कर रहे हो, उठपटांग हरकतें कर रहे हो। अब आप फिर आप एक काम करो, अपने हाथ को ही जो है मंगलसूत्र पहना लो उसी को तिलक लगाओ, उसी को टीका टीका लगाओ और उसी से शादी कर लो। क्यों आपने अपनी वाइफ की ज़िंदगी बर्बाद करो, क्यों अपनी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी बर्बाद करो? वो कहती है यार मुझे उससे कुछ होता तो मेरे साथ तो कुछ होता नहीं है, तू तो जब देखो तेरा हेडलाइन। तो भाई नाइट सर्विस नहीं करनी है, डे सर्विस नहीं करनी है, वर्कआउट से पहले सर्विस नहीं करनी है, हैंड प्रैक्टिस स्पेशली नहीं करनी है। आपको ऐसी सर्विस करनी है, अगर हैंड प्रैक्टिस करनी है तो डंबल से करनी है, ऐसे जो कि डोला आपका तैयार हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये उन भाई साहब को भी मैसेज दे दो कि जिन्होंने 5-6 वीडियो इसी के ऊपर बना दी। भाई बहुत सारे टॉपिक है फिटनेस इंडस्ट्री में यार, आप और नॉलेज दो ना। आप ये बताओ फिटनेस इंडस्ट्री में स्टेरॉइड ड्रग्स दुनिया भर के सप्लीमेंट इनके बारे में नॉलेज दो, उठपटांग चीज़ें डालते रहते हो अब यार। मैं खुश होऊंगा अगर आप अच्छी चीज़ें अच्छी गाइड करोगे, अच्छे गाइड करोगे किसी को। तो ऐसा नहीं होता, आप किसी को कहीं से पकड़ के लिया है, एडिट उडिट करके डाल दिया, ऐसा ऐसा नहीं होता। तो आप, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका चैनल है फिटनेस चैनल, तो वहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें ऐसी डालनी चाहिए जिससे कि किसी यूथ को किसी चीज़ को नॉलेज मिले। अब मैंने वीडियो डाली है तो इसमें नॉलेज मिलेगा बंदों को कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए। अब गाइज आप इस चीज़ को खुद आजमा के देख लो, आप कंटिन्यू एक हफ्ते तक करके देखो, सुबह शाम दिन रात, और फिर उसके बाद बंद करके देखो, या पहले बंद करके देखो फिर करके देखो, आपको खुद डिफरेंसेस मालूम हो जाएगा। कोई सर्टिफिकेट साइंटिफिक किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसको करते रहो, आपकी बॉडी तैयार हो। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आपकी डाइट फॉलो की हमने, आपने जो जो बताया हम फॉलो कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, मेरे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हुआ है, मेरा बहुत ज़्यादा मसल्स इंक्रीज़ हुआ है। तो वो बंदों का क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर फॉलोइंग मी। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ इसमें जाने से पहले कमेंट करना है बहुत सारे, और इसको शेयर करना है आपने। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।